दोस्तों भारत के प्रीमियम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ में फ्रैक्चर की वजह से T20 विश्व कप 2022 से बाहर हो गए हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन इंजरी को देखते हुए उनके विश्व कप में खेलने की उम्मीद ना के बराबर है। यह भारतीय टीम के लिए दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंजरी के कारण बाहर हुए थे। जसप्रीत बुमराह इस इंजरी के कारण एशिया कप 2022 से भी बाहर थे, जहां भारत को पाकिस्तान और श्रीलंका के हाथों सुपर फोर में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला में वापसी की थी और 2 T20 मुकाबले भी खेले थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बुमराह ने पीठ दर्द की शिकायत की और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद BCCI के सूत्रों और PTI न्यूज के मुताबिक यह बात स्पष्ट हो गई कि जसप्रीत बुमराह क्रिकेट से अब 5 से 6 महीनों तक दूर रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह की तरह T20 विश्व कप में कौन से 3 तेज गेंदबाजों में से एक जगह बना सकता है। नंबर 1, दीपक चाहर। जसप्रीत बुमराह की जगह दीपक चाहर शामिल किए जा सकते हैं और वह बुमराह की जगह बेहतरीन विकल्प भी हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज दीपक चाहर भी चोट के कारण काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। T20 विश्व कप में दीपक चाहर को स्टैंड बाय में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में दीपक चाहर ने मात्र 6 की बेहतरीन इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी चटकाए थे। यह खिलाड़ी निचले क्रम में बल्लेबाजी करने में भी सक्षम है और भारत की बल्लेबाजी क्रम को मजबूती प्रदान कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की पिचों को मद्देनजर रखते हुए और दीपक चाहर की गेंद को स्विंग कराने की क्षमता को देखते हुए चयनकर्ता इस खिलाड़ी पर भरोसा जता सकते हैं। नंबर 2, मोहम्मद शमी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के पिछले कुछ हफ्ते अच्छे नहीं गए हैं। इस खिलाड़ी को T20 विश्व कप 2021 के बाद T20 टीम से बाहर कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप के लिए भी चयनित नहीं किया गया। शमी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में चयन हुआ था, लेकिन वह कोरोना संक्रमित हो गए, इसी वजह से वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे श्रृंखला से भी बाहर हो गए। लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के बाहर होने से मोहम्मद शमी के अनुभव की जरूरत भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में पड़ सकती है। हालांकि उनका प्रदर्शन पिछले T20 विश्व कप में अच्छा नहीं रहा था और 5 मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने सिर्फ 6 विकेट लिए थे। पिछले 1 वर्ष से मोहम्मद शमी ने एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन उनके अनुभव की वजह से वह जसप्रीत बुमराह की जगह शामिल हो सकते हैं। नंबर 3, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने हाल ही में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेला था और शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज ने 2020 में ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर भी खेला और जहां उनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा था। मोहम्मद सिराज गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं और ऑस्ट्रेलियाई पिचों का अनुभव चयनकर्ताओं पर उनका चयन करने का दबाव डाल सकता है। सिराज ने हालांकि ज्यादातर टेस्ट और वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और T20 में सिर्फ 5 मुकाबले ही खेले हैं और 5 विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद ट्विटर पर मोहम्मद सिराज ट्रेंड करने लगे हैं। BCCI ने भी उनका चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 श्रृंखला के लिए कर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बुमराह की जगह वर्ल्ड कप टीम में किस गेंदबाज को शामिल करना चाहिए, कमेंट में बताएं। क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करिए चकते क्रिकेट। धन्यवाद।